आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और देख रहे हैं कैसी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही। आज हम लोग का प्लान था देहरादून जाना था, कुछ काम था, और बारिश सुबह से हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। और कितने सुंदर फूल खिले हैं, आपको दिख रहे हैं, दो एक साथ खिला है और सब में भी खिले हैं, बहुत सुंदर फूल। लेकिन हम छत पे नहीं जा सकते, मन तो कर रहा थोड़ा सा भीग लो, लेकिन भीगना बहुत ज़्यादा, बहुत तेज बारिश हो रही, चारों तरफ धुंध छाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भीगने के बाद काम हो जाएगा गड़बड़। और चलते हैं नीचे, आज बनाते हैं कुछ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और बहुत सारी बातें आप लोग से करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। चलिए फिर चलते हैं नीचे। देव हेलो बोलो। हेलो। ऐसे बोलते हैं? हेलो। ऐसे नहीं, सामने आओ, बोलो हेलो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो शुरू हो गया है मेरा किचन में काम। और ये है लौकी, लौकी काट ली है मैंने पीसेस में। और इधर बेसन लिया है, बेसन में दो चम्मच के करीब में चावल का आटा डाला है। और उधर दीपू बना रही हैं कॉफ़ी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन लिया है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा लिया है। और ये लौकी की पकौड़ियाँ बनेगी, बहुत आसान होती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये चीज़ें डाल दी हैं मैंने। और उसके बाद इसमें नमक डाल दूँगी और बस अब इसको घोल बना लेंगे। और उसमें लौकी, वैसे तो जो एक हम कद्दूकस करके बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है, पर ये वाली भी अच्छी लगती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्ची ये कूट लिया था और कूट के डाल दिया है एक साथ में। और बस अब इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे, अच्छा सा घोल। यहाँ देव परेशान है, मम्मी मुझे बनाने दो, मैं भी कराऊँगा। तो बस इसका घोल बन गया है, बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत पतला भी नहीं, मीडियम में रहना चाहिए। उसके बाद बस यहाँ पे उसी में डिप कर करके लौकी के जो पीसेस काट के रखे हैं और बस इसमें डिप करके डालती जा रही हूँ। और ये बड़ी थोड़ी सी लौकी थी, और वैसे आप इकट्ठा सारे को डाल के लौकी में मिला भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब उसमें डालने के बाद लौकी पानी छोड़ने लगती जब उसमें हम मसाले में डाल देते हैं ना, जो घोल बनाया है इसमें हम सारा मिला देते हैं तो लौकी पानी छोड़ने लगती है, तो फिर पतला हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही एक एक करके डालती जा रही हूँ। और ये देखिए बन गए हैं मेरे ये फटाफट से पकौड़े। और पकौड़े बन ही रहे थे तब इनकी फरमाइश देखिए किस चीज़ की है, इनको चिप्स भी खाने हैं। थोड़ा सा मम्मी चिप्स निकाल दो, तो बस यहाँ पे चिप्स भी मैंने निकाल ले और डाल दो, मैं निकाल देती हूँ। निकालो तेल जितना निकाल सको। तो पता है कि सुन यार, तुम लोग शुरू हो गए, मेरी फैमिली को खिलाए बिना। अच्छा ये तो तेल निकालेंगे पहले फिर खाएंगे, और हम लोग खाते हैं ऐसे ही। तो पहले मैं आपको खिलाती हूँ और फिर हम लोग खाते हैं। खाइए, मज़ा लीजिए, बारिश में ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है। तो कॉफ़ी और पकोड़े ये शाम को आज हो रहा है। और मेरे लिए देखिए जो ड्रेसिंग टेबल का स्टूल इन्होंने बनाया था वो लगवाया है कि इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ के खाओ तुम। ये देखिए, ये मान नहीं रहे, मैं मम्मी का फोन आया था तो काफ़ी देर से मैं बात करने में लगी थी। अभी पकौड़ी खा के इधर से कढ़ाई और वो सारा चीज़ पड़ा हुआ है, पूरा किचन मैसी हुआ है। और इनको वो वाली बर्फी मैंने आप लोग को बताई थी ना, जब लौकी की बर्फी आप लोग से शेयर करी थी कि एक चीनी और सिर्फ लौकी की बर्फी बनाई थी, वो इनको बहुत अच्छी लगी थी, तो वही वाली बर्फी बनाने के लिए परेशान है। तो ये लौकी की बर्फी इन्होंने अपने दिमाग से, अपना जैसे समझ में आया वैसे बना रहे हैं, और मैंने दूसरी तरह से बनाई थी, फिर भी बनी गई है। थोड़ा सा टाइम लगा ज़्यादा इसको भूजने में, क्योंकि लौकी जब भूज के रख दी थी और बाद में चीनी का घोल बना के डालने के बाद वो लौकी फिर जल्दी पानी छोड़ दी थी, फिर वो काफ़ी टाइम लगा उसको जमाने में। और इसमें सिर्फ चीनी और इलायची और लौकी ही है, और उनको सबको अच्छे से करके बस इसको काट देना है सेब में। और वैसे आपको बता दें कि लौकी का पानी निकाल के उसको थोड़ी देर भूंज के फिर आप उसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी थोड़ी ज़्यादा रहती है मात्रा में, फिर बाद में इलायची डाल दीजिए भूंज के, और बस जमा दी जाती है तेल लगा के। तो किसने बर्फी बनाए?
भाई बर्फी इसलिए बनाए गए कि भाई बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इन्होंने हम लोगों को लौकी का क्या बोलते हैं उसको कोफ्ता कोफ्ता कोफ्ते नहीं थे वो पकौड़ी थी लौकी की। लौकी की पकौड़ी खिलाया इन्होंने तीखा। मैंने बोला चलो हम भाई मीठा खिलाते हैं आपको, हम बर्फी बनाते हैं। ये बर्फी बनाए हैं तो आज इनके हाथ की बर्फी खा लीजिए। ये लीजिए आप ही खिला दीजिए। जी भाई पहले आप लोग भिक्षा दीपो देव आ जा तुम लोग भी आज दीक्षा करी। आज मम्मी लौकी डे है क्या जापू? ये देखो स्टाइल स्टाइल हो गई है दीक्षा। कमरे में शीशा तो लगाओ शीशा। अच्छा कमरे में शीशा लगाना है, शीशा यहीं पे मिलता है इसी कमरे में, इनके कमरे में शीशा नहीं है। ये लो बर्फी खाओ बाबा की। तो खाने पीने के बाद इनका मन हुआ कि चलो थोड़ी दूर घुमा के लाता हूँ, थोड़ी ठंडी हवा लग जाएगी। सुबह मेरा सर भी दर्द हो रहा था तो बस हम लोग निकल गए हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे, और यहाँ पे घूमते फिरते हम लोग हवा ठंडी लेते हुए। इनकी छुट्टी थी तो ऐसे ही होता है अक्सर हम लोग का, कहीं ना कहीं कोई काम कुछ है कहीं निकलना, लेकिन घूमते फिरते हो गया, गाड़ी में पेट्रोल कम तो फिर पेट्रोल भी भराया हम लोगों ने। और आने के बाद फिर से लग गई हूँ किचन में, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च ये डाला था। उसके बाद लहसुन, मिर्च, अदरक और उसके बाद ये प्याज कटे हुए ये डाल दिए हैं। हल्का हल्का इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर डाल देंगे इसमें टमाटर। और उसके बाद ये डाले हैं, पहले मैंने काजू डाले हैं उसके बाद इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर को डालने के बाद बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और थोड़ा सा गलने देंगे ढक के, फिर खोल के ऐसे करके चलाते रहेंगे बीच बीच में इसको। देखिए बर्तन धुल रही है और गुनगुना रही है। याद है क्या करूँ, थोड़ी ज्यादा ज्यादा काम हो जाते तो कराना ही पड़ता है इन लोगों से। और ये देखिए आज पूरा दिन लौकी चैलेंज रहा है इनकी बदौलत, जो बैठे हुए हैं उधर से। अभी लौकी के रायता, ये देखिए लौकी का रायता बन रहा है, लौकी का रायता। यहाँ भी लौकी बॉयल करके रखी है, शाही शाही लौकी बनेगी, शाही लौकी तैयार हो गया है। और सुबह सुबह की ये देखिए सब्जी बची हुई है, ये सुबह लौकी बनी थी। लौकी की बर्फी भी देख ली आप लोगों ने, लौकी के पकौड़े भी देख लिए आज। लौकी चैलेंज रहा पूरा दिन, लौकी खा के हमने बिताई है और सारी लौकी खत्म कर दी, अब एक भी लौकी नहीं बची है। तो सबके पसंद की भी डिश बन गई और लौकी भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी वाला मेरा रायता बना है जिसमें मैंने दही फेंट ली थी और लौकी मैश करी हुई थोड़ी सी डाली थी, उसके बाद काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर भूज के डाला है। और हाथ में मेरे जो आटा लगा हुआ है, आप लोग सोच रहे हैं क्यों लगा रखा है, तो थोड़ा सा हाथ पकौड़ी बनाते वक्त जल गया था तो बस थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा आटा उसको चिपका रखा है। और ये सब जो मैंने भूज के फ्राई करके रखा था ठंडे हो गए थे, उनको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। उसके बाद बटर डाला है कढ़ाई में और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये सब तो आपको पता ही है, यही डालती हूँ हमेशा। और जो आप मसाले यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, बस उसको डालने के बाद भूजा है और ये पेस्ट बनाया है, इसको डाल के भूजेंगे। तो बस उसके बाद आज मैंने कहा सबकी फरमाइश पूरी होगी, जो जिसको खाना है सारी डिश बनाऊंगी मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आज के दूध की फ्रेश मलाई निकाली थी वो डाल दी है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा एक चम्मच के करीब में चीनी डाली है और बस इसको डाल के भूजेंगे। उसके बाद पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना गाढ़ा पतला आपको रखना है और बढ़िया, बस मीडियम में अच्छा लगता है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। तो बस इसमें डाल के लौकी मैश को ही डाल के पका लेंगे, बस शाही पनीर भी शाही लौकी तैयार है। तो ऐसा कोई ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा जिसमें हमने पूरे दिन ही लौकी खाई, पूरा दिन ही एक मतलब उसमें एक चैलेंज जैसा हो गया, हमने लौकी की कितनी सारी डिश बना के खाई। और लौकी की जानते और भी, अभी लौकी के कोफ्ते, लौकी की खीर और लौकी का हलवा दीक्षा बोल रही थी, अभी ये सब तो बाकी ही रह गया है मम्मी। मैंने कहा अच्छा काली मिर्च नहीं, अदरक डाला।
और यहाँ पे दीपू को सर्दी खांसी हो गई है 2-3 दिन से, तो बस इसको थोड़ा सा अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के जबरदस्ती खिला रही हूँ। पीना ही नहीं चाहते बच्चे, जानते हैं अपना नाटक करते हैं। खा पी लिया, पूरे दिन लौकी खाई, खुश। अब तो लौकी नहीं लोगे जल्दी? नहीं, क्यों? लौकी क्यों नहीं ली जाएगी? लौकी इतना ला, अब मत लाना कुछ दिन। और मैं आप लोग को एक चीज और दिखा रही हूँ। लौकी जो होती है वो अपने हेल्थ के हर चीज के आज जानते हैं। लौकी का जो जूस निकाले थे, लौकी की जो बर्फी इन्होंने बनाई है उसका जूस निकाल के भी पी गए थे ये। मैंने कुछ दिन आटे में डाल के आटा गूंदा था, इन्होंने उसमें नमक वमक मिला के वो भी पी लिया। काला नमक मिला के पी लिया ना, वो पेट के लिए। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी कह रहे थे पी लो, मैंने कहा नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पी सकती हूँ। तो और ये देखिए, इनको कोई मिल जाता है ना, कई बार इन्होंने ऐसा किया, अगर कोई मिल गया रास्ते में कहीं भी, इनको रिक्वेस्ट किया ले लो। तो ये कई चीजें ऐसे लाते हैं, फिर मैं कभी कभी गुस्सा भी होती है, फालतू की चीजें क्यों ले लेते हो। ये देखिए इतना छोटा सा नेल कटर लेके आए हैं, वहां पे वो 10-10 रुपए का दे रहा था, छोटा सा लाइटर लेके, छोटा नेल कटर ले आया। एक चीज तो मेरे काम की है, बच्चे उससे काट, अगर नाखून काटेंगे तो खुश होंगे पापा। और किसी बच्चे का, इतने छोटे बच्चे नहीं है आपके, अब किसी भी बच्चे का नेल इसमें आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, बेचने वाला भाई वो बेच रहा है तो 10-20 रुपए की चीज मगर ये तो मेरे काम आ जाएगी साड़ी में पिन लगाने के। बाकी ये दो चीजें राम भरोसे, ये नेल कटर तो मैं चल नहीं रहा हूँ अभी, ये चल रहा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 2-10 रुपए का चीज है, अगर वो 20 दिन भी चल गया तो उसका पैसा सू ले। था लेकिन शौक लगा उसको देख के ले आए हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अपनी खुशी के काम करना चाहिए, खुश तो हो। लाइट देखो, मेन चीज ये है कि जो ये बेच रहे है ना, जो चाहे 10 रुपए की चीजें लेके घूम रहे, अगर हम आप खरीदेंगे नहीं फिर उनको बेचने क्या फायदा। हाँ, खरीदते रहा करो। चलिए फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने मेरे चैनल, आप लोगों को अगर भाई ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि भाई इनका और दिल बढ़े और अच्छे से आपके पास पहुंचे और आप लोग अच्छा अच्छा एंजॉय करें। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।